नमस्कार, आई मैं अजय कुमार गुप्ता, योर फ्लूइड परमिटर फ्रॉम इंडिया। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर +91 933 411 2316। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं बेसिक अलंकार, प्रारंभिक अलंकार, बांसुरी पर कैसे बजाएं। मैंने बहुत सारे पुस्तकों का रिसर्च करके जो बेसिक अलंकार निकाले हैं, जिसके आधार पर हम हजारों नहीं लाखों अलंकारों की रचना कर सकते हैं और पलटों की रचना कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप देखें और इसका रिटेन डॉक्यूमेंट अगर आप चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। सबसे पहले सारे गामा पादा निशा इस जी बेस फ्लूट पर, थाट बिलावल में ये सारे चीज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह था सारे गामा पाधा निशा सानिधा पम अग्रेसा। बेसिक अलंकार का यह सबसे मूल मंत्र ही है हमारा। अब इसको इसके बाद जो दूसरा अलंकार कौन सा ले, यह सवाल उठता है। तो गणितीय आधार पर सारे रे ग गामा मापा पाधा धानी और निशा, तार सप्तक में सानी निधा धापा पामा मागा गारे रेसा। आइए इसको सुनते बजाते हैं। सारे अलंकार टंगिंग के सहारे ले रहा हूं, तू 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 तू, इस तरह से तू का लगा कर ही। ब्लो में अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ब्लो अभी नहीं करना है। बेसिक अलंकार सब टंगिंग के सहारे ही कीजिएगा और ब्लो बाद में करेंगे। जब तक टंगिंग पर आप खूब मजबूती से टंग आपका रेडी ना हो जाए, ब्लो पर तब तक नहीं जाना है। इसके बाद जो अलंकार नंबर 3 वो है साग, यानी सा ग, यानी बीच का रे छोड़ रहे हैं, वो रे मा गा पा मा धा पानी धा सा, और अवरोह है सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। आइए इसके बाद अलंकार नंबर 4 है सा मा रे पा गाधा मानी प सा, और अब रो सा प नी मा धागा पारे म सा। आइए इसको बजाते हैं। अब अलंकार नंबर 5, अलंकार नंबर 5 से 3 नोट्स का अलंकार हम निकाल रहे हैं। सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धानी धानी सा, अब रो सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे गा रे सा। Thank you.
अब इसके बाद पांचवा अलंकार के बाद अब छठा अलंकार है चार नोट्स का, सा रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धानी, पा धा नी सा। अब रो सा नी धा पा मा, धा पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे सा। देखिए इसके बाद अलंकार को और आगे बढ़ाएंगे, सारे गामा पा, पांच नोट्स ले लिया, तो सारे गामा पा, रे गामा पा धा, गामा पा धा नी, मा पा धा नी सा। और अब रो सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग छह नोट्स लगाएंगे, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा। फिर अब रो सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। इसके बाद लेंगे सात स्वर का, सारे गामा पा धानी, रेगा मापा धानी सा। और अब रो सानी धापा मा गारे, नी धापा मा गारे सा। देखा आपने, और जितने भी स्वर लेंगे, दो स्वर लेंगे तो एक ही सांस में, या सात स्वर लेना है तो भी एक ही सांस में लेना है। कोशिश करना, इसी बहाने आपका सांस भी बढ़ेगा और टंग भी रेडी होगा। और जितने नोट्स लेने हैं टंग के सारे लीजिएगा, ब्लो अभी नहीं लगाइएगा। ब्लो लगाने के लिए अलग से इसका टेक्निक सीखना होगा, आपको समझना होगा। अब लास्ट हम चलते हैं दसवां, जहां से शुरू किया था वहां से शुरू करेंगे। फर्क क्या है, पहला जो नंबर पर सारे गामा पा धा नी सा था वो आठ टुकड़ों में था, सा रे गा मा, यानी आठ स्वर थे और आठ सांस थी। लेकिन अब जो हम दस में पहुंचे हैं, दसवें नंबर पर, वहां स्वर तो आठ है लेकिन सांस एक है। इस एपिसोड को आप जी बेस पूनम फ्लूट के साथ बजाएं और इसका खूब खूब अभ्यास करें। अभी इसमें आपने केवल अलंकार बजाना सीखा है, अभी इसमें स्पीड वर्क बाकी है, एक गुण दो गुण
चौगुन और अठगुन करना होगा, तो वो उसको आपको बहुत संभाल के करना है। और इससे आप हजारों नहीं लाखों पलटे बना सकते हैं। मेरे पास अगर आप संपर्क करेंगे सीखने के लिए, समझने के लिए, या ऑनलाइन स्काइप क्लास में, तो कैसे बनता है ये मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। और बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग में सारे गामा पधा निशा और सानी धापा मगा रेसा को बैठाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही ज्यादा आप बजा पाएंगे और कर पाएंगे। क्यूप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट परमिटर। थैंक यू।